हरे कृष्णा, आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत आज के एकादशी के तिथि पे। आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंध के तीसरे अध्याय पे 8 और 9 श्लोक पे चर्चा करेंगे। तो जैसे ये 2 श्लोक है, तो 8 नंबर श्लोक से मैं एक बार उच्चारण करूंगा और उसके बाद 9 नंबर श्लोक को मैं, तीन गोपी का कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्व भानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। दोनों श्लोक के 8 और 9 नंबर के श्लोक का मैं अनुवाद पढ़ रहा हूं, उसके बाद हम शुरुआत करेंगे। सती ने कहा, हे प्राण प्रिय शिव, इस समय आपके ससुर महान यज्ञ कर रहे हैं और सभी देवता आमंत्रित होकर वहीं जा रहे हैं। यदि आप कहें तो हम भी चले चले। श्लोक संख्या 9। मैं सोचती हूं कि मेरी सभी बहनें अपने संबंधियों से भेंट करने की इच्छा से अपने अपने पतियों सहित इस महान यज्ञ में अवश्य आई होगी। मैं भी अपने पिता द्वारा प्रदत्त आभूषणों से अपने को अलंकृत करके आपके साथ उस उत्सव में भाग लेने की इच्छुक हूं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो सती है अपने पति शिव जी से निवेदन कर रही, इच्छा व्यक्त कर रही है कि उनको अपने पिता के घर जाना है जहां महान यज्ञ हो रहा है। सती इच्छा कर रही है, लेकिन जो घर जाने की इच्छा, जो घर जाने की इच्छा है वो बहुत तीव्र है। देखिए, दो चीज होती है। एक तो जो होता है कि इन्फॉर्म करना कि मैं आपको बता रही हूं, और दूसरा होता है कि पूछना। हम कह सकते हैं कि हमारी इच्छा है जाने की, वो इच्छा को हम किसी के ऊपर थोपते हैं। हम एज ए जस्ट औपचारिकता के लिए हम पूछते हैं, बताते हैं, लेकिन करने वाले तो हम वही है जो हमें करना है। इस श्लोक में यही बता रहे हैं कि इनकी जो बहुत सारी बहनें हैं वो अपने संबंधियों के साथ, संबंधियों से भेंट करने के लिए पतियों के साथ गई है। तो इतने सारे लोग, घर के लोग मिलने वाले हैं और मैं यहाँ अकेली रह जाऊंगी, ये अच्छा नहीं लगता है। अच्छा लगे नहीं लगे वो बड़ी बात नहीं है, मेरी जाने की इच्छा है वो इम्पोर्टेंट। मुझे वो शादी में जाना पड़ेगा प्रभु जी, उनको बुरा लग जाएगा। उनको बुरा कोई नहीं लगेगा, आप नहीं जाओगे ना तो आपको वो नहीं जाएंगे तो पूरे दिन में या 2 दिन में आपको याद भी नहीं करेंगे कि वो नहीं आई थी या आया था, नहीं याद करेंगे। लेकिन हमें जाने की इच्छा है, खुद को अच्छा नहीं लगता है, मैं क्यों ना जाऊं। इतनी बड़ी सोशल गैदरिंग है, इतने सारे लोग आएंगे और मैं नहीं जा पा रही। तो इस श्लोक से, तात्पर्य से बहुत सारी शिक्षाएं प्रभुपाद ने लिखी हैं, देख सकते हैं। कभी-कभी लगता है कि बहुत सारे लोग जो कार्य करते हैं वो सही करते हैं, क्योंकि देखिए समाज में कितने लोग भक्ति कर रहे हैं, वैरागी भाव को उत्पन्न कर रहे हैं और अपनी अपनी सीमाओं को कंट्रोल में रख रहे हैं, अपने विचारों को, अपनी आदतों को। कितने लोग हैं? बहुत कम लोग हैं।
लेकिन ज्यादातर लोग जो कर रहे हैं वही सही होता है। मेजोरिटी विंस, जो मेजोरिटी लोग कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, दुनिया को यही दिखता है। लेकिन कुछ भक्त है जो भगवान के अनन्य भक्तों श्रीमद् भागवतम भगवद गीता का जो सहारा लेके बैठे हैं और उसके उस शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को चला रहे हैं, जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो वो लोग क्या है, वो मूर्ख है कि दूसरे लोग मूर्ख हैं जो मेजोरिटी में जो कार्य कर रहे हैं। आजकल तो शादियों का सीजन चल ही रहा है, अभी समाप्त होगा, लेकिन सीजन ही सीजन है। अभी देखिए हमारे सोशल मीडिया पे वायरल है, एक शादी हो रही है, वो शादी नहीं है, प्री वेडिंग है, और पूरी दुनिया, पूरा बॉलीवुड, पूरे मंत्री मंत्री सब लोग पहुंचे हुए हैं, और क्या एक दूसरे को सजा रहे हैं, और भगवान का कोई नामो निशान नहीं है, पूरे भौतिक का। अभी ये देखेंगे तो दूसरे लोग भी करेंगे, चलो ऐश्वर्य कम होगा लेकिन उससे कुछ तो भी करेंगे, थोड़ा कम करेंगे, लेकिन क्या है, एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, अपना ऐश्वर्य को दिखा रहे हैं। जो हमें ऐसे लगता है कि जो व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति जो कुछ करता है, यद्यद आचरति श्रेष्ठ, वो जो करता है उस दुनिया फॉलो करती है, और ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति ऐसे कार्य करेंगे तो क्या होगा, सबका पतन होगा, अधोगति होगी, अंत तो गत्वा क्या होगा, दूसरा शरीर लेना ही पड़ेगा। देख रहे हैं कि यहां पे यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ हुआ है, और ऐसे यज्ञ पहले भी हुआ और उसमें एक महान वैष्णव का अपमान हुआ, शिव जी का अपमान हुआ है, और इस यज्ञ में भी शिव जी को कोई आमंत्रण नहीं है, कोई स्थान नहीं है, कोई शिव जी के लिए आहुति नहीं दी जाएगी। तो जिस जगह पे वैष्णवों का अपमान हो और जहां पे भगवान की अनुपस्थिति होती है, भगवान नहीं होते, शादियों में कहीं कोने में आपने देखा है कि ऑल्टर लगाया होगा, हाँ भक्तों के शादी में हो सकता है, लेकिन आजकल की शादियों में कहीं देखा है कि शादी के मंडप के बाजू में एक भगवान का ऑल्टर रखा होगा? अरे कोई भगवान को याद ही नहीं करता, किसी को किसी में इंटरेस्ट नहीं होता है, कोई यज्ञ चल रहा है वहां, शादियों का फेरे ले रहे, उसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं होता, सब सेल्फी निकालने में लगे होते हैं। आजकल तो मैंने देखा है कि एक सेल्फी बूथ बनाते हैं, एक सेल्फी के लिए एक अच्छा डेकोरेशन बनाते हैं, क्योंकि सब लोग वहां जाके सेल्फी निकालेंगे और सब वहीं पड़े होते हैं। यहाँ पे दूल्हा दुल्हन शादी कर रहे हैं, कोई लेना देना नहीं, अधोगति है। तो ऐसी जगह पे एक भक्त नहीं जाता, अरे प्रभु जी फिर क्या हमारा रिश्ता है, हमारा संबंध है, उसको हम तोड़ दें? प्रश्न पूछ देना बहुत कड़वा आंसर है, लेकिन पूछना सबके लिए अच्छा है, पूछ लेना, इसका आंसर भी मिलेगा, क्या करना चाहिए, जाए या ना जाए, नहीं जाए तो ऐसा, जाए तो ऐसा, क्या करना चाहिए। तो ऐसे स्थान पर कभी नहीं जाना चाहिए जहां पे हमारे संबंधी है, चहेते हैं, क्लोज रिलेटिव है, लेकिन अगर वैष्णव का अपमान करते हैं तो नहीं जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सती क्या है, देहात्म बुद्धि, एक एपिसोड हो चुका है, उनको पता है कि शिव जी नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी उकसा रही है। और पहली बात, सती को समझना चाहिए था कि हमें इनविटेशन नहीं है तो क्यों जाए, विदाउट इनविटेशन वी कैन नॉट गो, और जहां पे वैष्णव की निंदा हो चुकी है और होगी आगे, वहां पे जाना ही नहीं चाहिए। दूसरे वैसे स्थान पर वैष्णव जा ही नहीं सकता, एक भक्त कैसे जा सकता है? तो कभी कभी अपना जो विवेक है भूल जाते हैं। तो जो अधिक संख्या में लोग कर रहे हैं, जो भीड़ में हो रहा है, वो सही है, और जैसे मैं बार बार कहता हूं, दो वस्तुएं, श्रेयस और प्रेयस। प्रेयस जो है, जो हमें तुरंत सुख देने वाली है, सुख प्रदान करने वाली है, और श्रेयस जो है वो आगे जाके सुख प्रदान करेगी, अभी तुरंत नहीं देगी, लेकिन हम सारे जीव प्रेयस कार्य करने में लगे। जैसे सुबह सुबह मंगलारती के समय अपनी नींद को
तोड़ के, नींद से, बिस्तर से उठ के हमें भगवान का हरिनाम लेना, पूजा करना, आरती करना, जप करना, ये सब करना है। लेकिन यहाँ पे वो क्या है, श्रेयस है ये, लेकिन हम प्रेयस क्या है, नींद लेने के आनंद में हम सोए रहते हैं नींद के लिए। लेकिन श्रेयस क्या होगा कि अगर आप करेंगे ये जो साधना भक्ति के विधि विधान को आप अपने जीवन में अलंकृत करेंगे, जीवन में उसको अपनाएंगे, तो श्रेयस होगा कि आपको अंततो गत्वा भगवत प्राप्ति प्राप्त होगी, भगवत भक्ति प्राप्त होगी, और आप इस नींद के चक्कर से हमेशा उठ जाएंगे, नींद आएगी। तो सती जो है कि सगे संबंधी जा रहे हैं तो वहां पे सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, शादियों में सच में आनंद मिलता है। हाँ, वो छोटा दृष्टिकोण है कि ये प्रेयस जो वस्तु है, लेकिन वो श्रेयस नहीं देख पा रही है कि वहां पे वैष्णव का अपमान होगा, होने ही वाला है, यज्ञ ध्वंस होगा। तो व्यक्ति, हम कहते हैं कि भौतिक भोग के प्रति उसकी लालसा होती है ना, तो आंखों के सामने पर्दा आ जाता है, वो देख नहीं पाता, सही नहीं देख सकता, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो नहीं देख सकता, क्या सही है क्या गलत है, उसके लिए क्या है, मुझे क्या अच्छा लगता है, ये अच्छा लगना और सही होना ये दो अलग वस्तु है। अच्छा लगना और सही लगना दो अलग अलग वस्तु है, कि अधिकतर जीव क्या है, अधिकतर सारे लोग अपना जीवन सही लगने पे, मुझे क्या सही लग रहा है मैं वो करूंगा, लेकिन वो सही तुम्हें लग रहा है लेकिन वो सही नहीं हो सकता ना। अच्छा मुझे लग रहा है, ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये मेरे लिए सही है, यही मैं करूंगा, मेरे को अच्छा लगता है, डू इट, करो, मुझे वहां जाना अच्छा लगेगा। कई लोग कहते हैं कि जो अच्छा लगे वही करना चाहिए, लोग कहते हैं ना आपको अच्छा लगे वो करो, भक्ति करने का मन लग कर रहा है तो ही करो, नहीं तो मत करो, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए किसी से, हम जबरदस्ती भक्ति थोड़ी करा सकते कि जबरदस्ती बैठ के माला करो, कथा सुनो, मन को अच्छा लगना चाहिए, मन को अच्छा नहीं लगता है तो मत करो, तो मन में तो असुर बैठा हुआ है, वो तो लगे, वो तो विचार करने ही नहीं देगा आपको, भक्ति में करने ही नहीं देगा वो भक्ति में। तो इसीलिए हमें हमारे ऊपर ऑथोरिटी की आवश्यकता होती है कि वो हमें कुछ समझाए और हमें कुछ नियम हम पर थोपे। तो यहाँ पे सती जो है वो शिव जी से पूछ रही है कि जाना चाहिए हमें या नहीं जाना चाहिए, वो क्या कह रही है कि मैं जाने की इच्छुक हूं, हमें जाना चाहिए, और ऐसे यज्ञ से वास्तव में विष्णु प्रसन्न हो गए या नहीं हो गए नहीं पता। तो खुद को अच्छा लगना वो अधिक महत्वपूर्ण है इस संसार में, और जो भगवान विष्णु है उनकी प्रसन्नता कोई मायने नहीं रखती। पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि यहाँ पे जो सती आज्ञा तो मांग रही है लेकिन वो औपचारिकता है, जाएगी तो ना बोलेंगे तो भी जाएगी, मुझे तो जाना है, मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ। ये औपचारिकता के लिए भी हमें यहाँ पे शिव जी है जो गुरु है, सती है वो पूछ रही है, तो एक गुरु है वैष्णव है उनके पास भी औपचारिकता के लिए नहीं जाना चाहिए, हमने सेट कर लिया कि मुझे तो यही करना है, फिर हम क्या करेंगे कि ऐसे ही हम हमारा जीवन जिएंगे, सेट कर लिया कि हम गुरु से ऐसे ऐसे चुपड़ी बातें में फंसाएंगे और फिर गुरु से यही बुलवाएंगे जो हमें अच्छा लगता है, फिर गुरु महाराज हमें ऐसे इंस्ट्रक्शन देंगे। अरे पहले तो आपने सीन ऐसे क्रिएट किया कि आपकी इच्छा व्यक्त की कि हमें ऐसे ऐसे करना है, उसके लिए आपने सीन क्रिएट किया, फिर गुरु के पास ऑप्शन ही नहीं रहा, ओके करो, फिर गुरु कहता है कि जहां भी रहो कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहो, भक्ति करो, 16 माला जप करो, टाइम मिले तो 17 भी कर लेना, हाँ? शास्त्र पढ़ो, प्रचार करो, ये सब इंस्ट्रक्शन देगा, लेकिन जो हमारी इच्छा है वही हम करेंगे।
ऐसे ही करना है हमें, और गुरु से हम स्टैंप लगवाने जा रहे हैं। हमने हट है हमारा कि हमारी इच्छा है, तो गुरु देख रहा है कि ये बात सुनने को तैयार नहीं है, तो एक काम करो, इसको इसकी इच्छा पूर्ण कर दो। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो देखे हैं मैंने। सीमित दृष्टिकोण से देखते हैं गुरु, एक बड़े दृष्टिकोण से देखता है गुरु, लेकिन उतावलेपन में हम ऐसी चीजें मनवा लेते हैं जो अंततो गत्वा हमें नुकसान देने वाली है, नुकसान देती है। तो मुझे ये करना है, बस मैं गुरु से मनवा लूंगा, फिर बाद में दूसरों को कहेंगे कैसे हुआ। नो, इट वाज आस्क्ड बाय गुरु महाराज एंड इट वाज केम एज इंस्ट्रक्शन टू गुरु महाराज। हमारी इच्छा को हम गुरु महाराज की इंस्ट्रक्शन बताते हैं कि उनकी हम उन्होंने भी हमें बोला, उन्होंने तो उनकी एक इच्छा है, उनकी इंस्ट्रक्शन है, इसलिए मैंने ऐसे किया। नहीं, आपने कहा, इसके लिए गुरु के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए गुरु ने आपको कहा कि भाई ठीक है स्टैम्प दे दिया जाओ। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल गुरु नहीं है, उसके रिस्पॉन्सिबल हम हैं, क्योंकि हमने हमारी इच्छा प्रकट की, हम खुद हैं। तो और इस घटना में ये भी देख सकते हैं कि शिव जी वैष्णव है, सती भी वैष्णवी है, लेकिन यहाँ पे कुछ समय के लिए वो देहात्म बुद्धि में फंस गई है। हम भी फंस जाते हैं, हमारे साथ भी होता है गृहस्थ आश्रम में, कि दोनों में से कोई एक भक्त है, पति भक्त है, पत्नी भक्त है, पति पत्नी भक्त है, पति भक्त है, आपस में क्या होता है, पति चाहते हैं कि गुरुकुल में भेजे बच्चों पढ़ाई करने के लिए, हाँ कुछ एक अच्छा भक्त बना, लेकिन पत्नी क्या चाहती है कि नहीं उसको आईसीएसई सीबीएसई आईआईबी बोर्ड में भेजना है, अच्छा पढ़ा लिखा के नौकर बनाना है, नामी व्यक्ति बनाना है कोई, तो ये आपस में क्या हो गया, मतभेद हो गया, बहुत सारी चीजों में मतभेद होते रहता है। हाँ तो एक भक्त थे, उनकी बहुत इच्छा थी मंदिर के पास आके रहने की, वहां पे घर ले ले, हाँ रोज मंदिर जाए सेवा करे, लेकिन पत्नी क्या बोल रहे, मंदिर के पास नहीं रहना, मंदिर के पास रहेंगे तो रोज मंगल आरती जाना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, नियम में रहना पड़ेगा, तो लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, ये लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। उससे है ना, एक बार बहुत व्यक्ति पूछते हैं हमें, क्या आप लाइफ को एंजॉय नहीं करते हो क्या, आप एंजॉय करते हो क्या? नहीं, अरे मैं कहता हूं कि भाई तुम्हारे एंजॉय की परिभाषा क्या है वो बता, तुम्हें समझ में आता है एंजॉय की परिभाषा क्या है, एंजॉय मीन्स व्हाट? एंजॉय तो रियली हम करते हैं, कृष्णा कॉन्शियस को रिलीज करते हैं, कोशिश करते हैं, कर नहीं रहे लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं। आध्यात्मिक स्तर पे लाइफ को एंजॉय करना वो वास्तविक है, क्योंकि हम तो शरीर है नहीं, शरीर के लेवल पे आप जीवन को एंजॉय करोगे, एक ना एक दिन तो समाप्त हो जाएगा, और ये आप कितना टाइम करोगे, कितना टाइम करोगे, जब तक मुंह में दांत है, शरीर में पाचन क्रिया उज्ज्वलित है, तब तक आप खाना पीना और एंजॉय कर पाओगे, जब तक आंखों से दृष्टि से दिख रहे, नहीं तो बाइनोकुलर लगा के देखोगे क्या करो। एंजॉय करने के लिए तो आध्यात्मिक जीवन ही है, क्योंकि वो श्रेयस है। तो इस तरीके से क्या होता है कि एक भक्त है और दूसरा भक्त नहीं है, तो एक 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 का सोचने का दृष्टिकोण अलग है, दूसरे का सोचने का दृष्टिकोण अलग है। कोई डॉक्टर बने, सीए बने, इंजीनियर बने, क्या होता है, मतभेद होने लगता है, क्लैश होता है। शिव जी चुपचाप है, शिव जी सिर्फ सुन रहे हैं सारी बातें, और शिव जी अनुमति दे देते हैं आगे आएगा। कभी कभी क्या होता है, सुनने वाला तो है नहीं, ऐसा शिष्य है कि करेगा तो अपनी ही, गुरु को भी एक्सपीरियंस है, तो अपने हाल पे छोड़ देते हैं, भाई तू कर तेरे को जो करना है, सती बात मानेगी नहीं, जाएगी। शिव जी को पता है क्योंकि उनकी पत्नी है ना, तो एक्सपीरियंस होगा उनको, ये सुनने वाली है नहीं, तो हाल पे छोड़ देते हैं, गुरु भी अपने शिष्य को हाल पे छोड़ देते हैं, तेरे को जो करना है।
यू आर नॉट सरेंडर्ड। कोई कोई कहता है अरे गुरु से कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं आती, कुछ नहीं आती, पहले अपनी योग्यता तो बनाओ, तब जाके गुरु इंस्ट्रक्शन देंगे ना आपको। हम तो सिर्फ दर्शन में ही फंसे हुए हैं, गुरु महाराज का दर्शन लेना है, दर्शन लेना है, बस वहीं अटके रहते हैं, दर्शन में ही अटके हैं। कुछ ऐसा कार्य करो कि गुरु के मुख से कुछ इंस्ट्रक्शन आए, कुछ ऐसे कार्य करना पड़ रहे हैं। तो गृहस्थी में दोनों में से एक भक्त नहीं है और अपनी अभक्ति पूर्ण इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रयास करता है तो गुरु उसको अपने हाल में छोड़ देता है। और इस तात्पर्य में लिखता लिखे प्रभुपाद के बचा रहे हैं यहाँ पे के स्त्रियों के बारे में बताया है कि स्त्री शब्द का अर्थ क्या है, विस्तार, अपने क्षेत्र को बढ़ाते रहना, उसको स्त्री शब्द का ये डेफिनेशन दे रहे हैं यहाँ पे। लिख रहे हैं वह जो भौतिक सुखोपभोग के क्षेत्र को विस्तारित कर देती है, विस्तार कर देती है। बार बार स्त्री जब बात करते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष, ये एक अट्रैक्शन का कारण है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्त्रियों के लिए ऊपर प्रहार है, ये पुरुष भी उतने ही इसके में सहभागी है। सारे पुरुष सही है, सारी स्त्री सही है, ऐसा नहीं है, दोनों इक्वली इक्वली एक दूसरे के निर्भर है। जो भोग करना चाह रहे हैं ना संसार में रह के, हाँ, ये स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, ये भोग की जो इच्छा है। जैसे बताया गया है, बहुत अच्छा एक श्लोक आता है शास्त्रों में, अथा गृहे क्षेत्रे सुतपा वृते जन समूहम अहम ममेति। तो जैसे ये भोग करने की इच्छा होती है और स्त्री है तो उसका क्षेत्र का विस्तार हो जाता है। उदाहरण के लिए हम कहें कि एक कोई समृद्धशाली है, अच्छा पैसा है, और लेकिन वो पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन वो क्या है, वो बैचलर है, अभी तक उसने शादी नहीं की है, तो वो अपने एक कमरे में रह के संतुष्ट रह सकता है, थोड़ी बहुत चीजें होंगी, गैजेट्स होंगे, वो खुश रह लेगा उसमें। और ज्यादा कोई उसकी आवश्यकताएं नहीं है, लेकिन जब उसका विवाह हो जाता है, सुनिएगा, कुछ बैचलर्स होंगे सुनिएगा, कि उसका जब विवाह हो जाता है फिर उसका क्षेत्र बढ़ जाता है, बंगलो चाहिए, 1 BHK, हम सॉरी बंगलो तो BHK, हम BHK की बात कर सकते हैं क्योंकि बंबई जैसे शहर में रहते हैं, गांव में रहते तो बात अलग है, बंगला बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 BHK मिल जाए तो भी बहुत बड़ी बात है बंबई में। तो जब वो स्त्री उसके जीवन में आती है तब मूवीज जाते हैं, मॉल जाते हैं, अलग अलग प्रकार के कपड़े, गहने, सोशल गैदरिंग, क्या क्या उसके जीवन में बढ़ जाता है। और जब स्त्री आएगी तो फिर क्या आएगा, बच्चे, तो उसका क्षेत्र और बढ़ जाता है। तो क्या होता है, प्रभु जी बहुत सुंदर बता रहे थे कि पहले वो अपनी 10 इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगा हुआ था, लेकिन जब शादी करता है तब 20 हो जाती है, और शादी के बाद 30 40 हो जाती है, 10 इंद्रियों की संतुष्टि में उसकी हालत खराब हो रही है, कर नहीं पा रहा है, और फिर 30 हो जाएगी, 40 हो जाएगी, 20 हो जाएगी, क्या है, एक इंद्रिय भी खींचेगी उस व्यक्ति की क्या हालत होगी बताइए, और 40 इंद्रिया है घर में, उस व्यक्ति का क्या हालत होगा, सुनिएगा ठीक से, हालत खराब हो जाएगी। 40 इंद्रियों को संतुष्ट करना है, प्रहलाद महाराज भी बताए कि अलग इंद्रियों के, एक हर एक इंद्रियों के अपने अपने अलग वेग है। तो प्रहलाद महाराज बताते हैं कि एक व्यक्ति की 5 इंद्रियां हैं, प्राण ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया, ऐसी 10 हैं, तो अगर एक भी अगर कहीं उसको खींच के लेके जाती है विषय भोग में तो उसकी हालत क्या हो जाएगी,
वो तो बेचारा अपनी अलग अलग इंद्रियों में फंसा रहेगा, वो तो अपनी इंद्रियों को नहीं कर सकता है। उसने क्या किया, शादी करके और 10 इंद्रियां अपने सर पे ले ली, बच्चा पैदा करके और 10 इंद्रियां अपने सर पे ले ली, तो भगवान की भक्ति कैसे कर पाएगा वो, कैसे कर पाएगा पता नहीं। और भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि गृहस्थ मुझे ज्यादा प्रिय है। अरे प्रभु जी, ये तो कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट है। पूछ लेना प्रश्न, पूछना है तो। तो 5 लोग, 5 है इंद्रिया सारी, ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया सब खींच रही है उसकी, लेकिन वही धार्मिक है व्यक्ति, धर्म परायण है। तो वो 10 इंद्रियों की सेवा कर रहा है, वो अपनी बीवी की भी इंद्रियां सेवा में लगा रहा है, अपने बच्चों की भी इंद्रियां सेवा में लगा रहा है, तो वो धर्म परायण, वो पूरा परिवार क्या हो जाता है, भगवत भक्त, भक्ति में अगण्य मीन्स प्रयाण होता है उसका भगवत धाम के लिए। लेकिन ये बहुत कम विकल्प है, कम गिने चुने, कहते हैं ना उंगलियों में गिन सकते हैं, ऐसे गृहस्थ इस संसार में मिल पाना, वो क्या बाइनोकुलर्स ग्लास लेके भी नहीं मिल पाएंगे। प्रॉपर गाइडेंस में रहके, सही निर्देशन में रहके भक्ति करना, क्योंकि जो क्षेत्र को बदलने में समय नहीं लगता है, आध्यात्मिक क्षेत्र से वो भौतिक क्षेत्र में जाने के लिए कोई सालों नहीं लगते हैं, इमीडिएट 1 दिन में जा सकता है। तो ये जो भागवत में इस थीम को बार बार रिपीट किया गया, शिव जी और सती का जो संवाद है उसमें मुझे क्या, हमें क्या लेना देना है, अरे आपके लिए शिक्षा है क्योंकि आप ही हो, हम लोग ही हैं सब ऐसे। जो स्त्री पुरुष आकर्षण है वो बहुत बंधनकारी है, सबसे अधिक बंधनकारी वही है इस संसार में फंसाने वाला। मैं बार बार कहता हूं कि जो पृथ्वी गोल घूम रही है ना, वो क्यों घूम रही है, क्योंकि ये स्त्री और पुरुष के बीच का जो आकर्षण है, इसी के लिए दुनिया गोल गोल घूम रही है। अगर ये आकर्षण खत्म हो जाए ना, तो किसी को कोई कुछ करने की जरूरत नहीं। एक व्यक्ति सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक ट्रेन में धक्के मुक्की खाके वो करता है, इतनी मेहनत किसके लिए करता है, एक अच्छा घर खरीद ले उसका लोन चुका है, एक अच्छा एजुकेशन ले ले उसका लोन चुका है, एक अच्छा कपड़े या गैजेट्स कुछ ले ले जिसका लोन चुका है, बस उसी के लिए ही जीता है एक व्यक्ति, और कुछ नहीं करता अपने जीवन में। देख लीजिए हमारे जीवन को देख के, और ये क्यों होता है, जब वो अपनी इंद्रियों को दुगना करता है। ये युद्ध क्यों होते थे पहले बताइए, युद्ध क्यों होते थे, केंद्र बिंदु क्या था, केंद्र बिंदु रामायण है, इतना बड़ा युद्ध हुआ क्यों हुआ, कहां से स्टार्ट हुआ बताइए। रावण जो है सीता देवी का अपहरण हरण करके ले गया, और युद्ध क्यों चल रहा है, भगवान राम गए हैं और सीता देवी को राम के चुंगुल से छुटाना है। महाभारत क्यों हुआ इतना बड़ा, माता द्रौपदी दुर्योधन ने इतना अपमान किया, अपमान करने के कारण अपराध का, दुर्योधन का अपराध का घड़ा बन गया, और सबको भगवान ने एक जगह इकट्ठा करके कुरुक्षेत्र में सबका वध किया, सबका सफाया कर दिया। तो ऐसे बड़े बड़े युद्ध जो हुए हैं, नरकासुर, नरकासुर भी आपको पता है 16,000 राजकुमारी को बंदी बनाया, इतने राजाओं के साथ युद्ध करके उनकी पुत्री या उनके राज्य की लड़कियां सबको अपहरण किया होगा। तो प्रभुपाद भी अपने लेक्चर में बताते हैं कि मार्शल्स लॉ ऑफ इकोनॉमी, ये जो मटेरियल एडवांसमेंट है ना, व्यक्ति की भौतिक प्रगति क्यों होती है, उसके पीछे जो मोटिवेशन जो होता है ना, वो फैमिली अफेक्शन होता है। क्यों इतनी मेहनत एक व्यक्ति करता है, क्योंकि अपने पत्नी को संतुष्ट करना चाहता है, उसको अच्छे अच्छे गहने, उसको अच्छे अच्छे जो भी वस्तुएं सब प्रदान करना चाहता है, कि वो व्यक्ति, वो स्त्री उसको सेंस ऑफ एंजॉयमेंट दे सके,
और कुछ नहीं होता इसके पीछे। इट्स कंडीशनड लव, देयर इज नो लव, इट्स कंडीशनड। तो फैमिली का अफेक्शन है, उसके कारण क्या होता है, इकोनॉमिक्स बढ़ती है, इकोनॉमिक्स बढ़ती है, विकास बढ़ता है। हमें 1 BHK से 3 BHK जाना है, तो 3 BHK कोई तो भी बनाएगा, और उस बिल्डर को पता है कि एक व्यक्ति जो है हमेशा 1 BHK में नहीं रह सकता, वो अपने आप को अपग्रेड करेगा, बंगले में जाएगा, झोपड़े में से 1 BHK में जाएगा, 1 BHK से 2 BHK में जाएगा, 2 BHK से 3 BHK में जाएगा, अगर पूरी जिंदगी लोन ही भरते रहेगा। आजकल तो मैंने सुना लोन 30 साल की लोन दे रहे हैं बैंक, 30 साल की लोन, 30 ईयर्स, आधा जीवन खत्म हो जाएगा उसका, आधा नहीं पूरा ही, क्योंकि लोन लेगा तब 25-30 26-25 साल में शादी करेगा, लोन लेगा घर लेगा, 30 साल तक लोन चलेगी उसकी, बताइए। और व्यक्ति ले भी रहे हैं, कितने मूर्ख हैं। ये भौतिक विकास, इसको कहते हैं हम विकास, ये हर क्षेत्र में जो आकर्षण है स्त्री पुरुष का आकर्षण जो है, उसकी वजह से ये पूरे प्रभुपाद कहते हैं इकोनॉमिक्स चल रही है। सभी लोग अपनी इंद्रियों के गुलाम हैं, इंद्रियों के दास हैं। एक गोदास होते हैं और एक गोस्वामी होते हैं। तो हम गोदास हैं कि गो के दास है, ये हमारी इंद्रियों के दास बन चुके हैं। हमारी भौतिक आवश्यकताएं को कम करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, विस्तार करके हम भौतिक आवश्यकताओं को बढ़ावा दे रहे हैं, बढ़ती जाती है ये। और जैसे बढ़ती जाती है वो और फंसता जाता है व्यक्ति। इससे निकलने का क्या उपाय है, प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं, शिव जी का वर्णन दे रहे हैं कि शिव जी को कोई लेना देना ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने आनंद में रहते हैं, अपना राम नाम लेने में लगे हुए हैं। तेरे को जाना है क्या, क्या करना है कर, मैं तो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन मेरी पोजीशन है कि जीवे रे स्वरूप होए नित्य दास, क्या है हमारा स्वरूप, क्या है, नित्य दास रहना, और मैं वो तो भगवान की सेवा करते ही रहूंगा। तो उनकी जो पत्नी है एक महान सती है, प्रजापति दक्ष की पुत्री है, और विवाह भी, विवाह कैसे हुआ है, ब्रह्मा जी ने अनुमति दी इसलिए विवाह हुआ है, लेकिन शिव जी को कोई लेना देना नहीं, वो कितना बड़ा घर है क्या है कोई लेना देना नहीं। हम देखते हैं कि जब शादी कोई करता है तो कोई की एक दूसरे के शादी क्यों करता है, क्या देखता क्या है, कितनी संपत्ति है ससुर जी के पास, कितनी संपत्ति है जवाई के पास जो बनने वाला है, उसके पिता ने कितना बना के रखा है, हाँ मेरी जो पत होने वाली पत्नी है उसके कितना संपत्ति उसके पास है। संपत्ति होगी तो आगे जाके मुझे मिलेगी, हमें मिलेगी, लेकिन शिव जी को कोई लेना देना नहीं है, वो आत्मा राम सचामियों, आत्मा आत्मा में रमते हैं। तो ये शिव जी से सीख सकते हैं कि अगर इस आकर्षण से बचना है, भौतिक लालसाओं से बचना है, तो भौतिक सेवा के स्मरण में रहना पड़ेगा। एटलीस्ट हम सेवा ना करें लेकिन सेवा का स्मरण तो कर सके। गोस्वामी हो, हमारे जो 6 गोस्वामी है, हमारे 6 गोस्वामी है, देखते हैं कि 6 गोस्वामियों ने वृंदावन में बहुत सारे सुंदर सुंदर मंदिर बनाए हैं भगवान के लिए, एकदम बेस्ट आभूषणों के साथ। चैतन्य चरितामृत में आता है ना कि जो गोविंद देव मंदिर बनाया है, वो मंदिर भगवान की जो बांसुरी है वो हीरे की बनाई है, और इतना हीरा, मुकुट सोने का, आभूषण रेशम के, और इतना सुंदर मंदिर बना है। तो भगवान की सेवा करने में बेस्ट वस्तु यूज करनी चाहिए, यही हमने देखा कि जो हमारा मायापुर प्रोजेक्ट है, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटोरियम, जिसका नरसिंह विंग का कुछ दिनों पहले ओपनिंग हुआ, भक्त लोग वो विंग का ओपनिंग में जो गए थे वो देख के आश्चर्यचकित हो गए, इतना ऐश्वर्य वाला मंदिर बना है। बेस्ट वस्तुएं यूज करके दुनिया के कोने कोने में जहां भी बेस्ट वस्तुएं मिलती है, इस बेस्ट वस्तुओं को, चीजों को, मार्बल्स को, ग्रेनाइट्स को, हाँ, उस मंदिर में लगाया गया। ये कहां से सीखे इस्कॉन के भक्त,
चैतन्य चरितामृत से, ये कहां से सीखे? कोई कह रहा है भगवान को इतना ऐश्वर्य, भले तुम्हारी 1 करोड़ की शादी करो बेटी के पीछे, लेकिन अगर एक भक्त आपके पास आके कहता है कि भगवान के घर के लिए 1 लाख रुपया दे तो हम चुप बैठ जाते हैं, फोन उठाना ही बंद कर देते हैं। ऐसे पैसा फूंक लेते हैं शादियों में, लेकिन भगवान की सेवा में नहीं लगाते। तो ये इतने मंदिर प्रसिद्ध प्रसिद्ध बनाए इन्होंने, हाँ इतने सुंदर सुंदर वहां पे मंदिर बनाए वृंदावन में, किसने? षड़ गोस्वामियों ने। लेकिन षड़ गोस्वामी सारे हमारे गोस्वामी रहते कहाँ थे बताइए? उनका खुद का जीवन कैसा था? खुद पेड़ के नीचे रहते थे, वो भी एक पेड़ के नीचे नहीं, दूसरे पेड़ के लिए हर दिन पेड़ चेंज करते थे। और हम हमारा सब कुछ परमानेंट बनाना चाहते हैं, लेकिन भगवान के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। और खुद खा भी क्या रहे हैं, हम खुद क्या खा रहे हैं? एकदम बेस्ट प्रोटीन्स, ये वाला फ्रूट, ये वो सब कुछ भगवान को, भगवान के लिए कितनी बड़ी थाली है हमारी बताइए, घर में कितना भोग लगा के खाते हैं बताइए। हम भगवान के लिए बेस्ट देना चाहिए, हमें सबसे बढ़िया मंदिर होना चाहिए, सबसे अच्छे आभूषण होने चाहिए, सब कुछ भगवान के लिए अच्छा हो, समर्पण होना चाहिए। शिवजी, संपत्ति है शिव जी के पास, लेकिन वहां पे सब ऑफेंडर्स बैठे हुए हैं, दक्ष के वहां भगवान का अपराध कर रहे हैं, तो उन्होंने छोड़ दिया, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। तो हम ऐसे ये गुण देखते हैं हम शिव जी में, और ये गुण युधिष्ठिर महाराज में भी है। पांडवों को जो वनवास होता है, पांडवों को तो पांडव जो वनवास में होते हैं, तब भीम और द्रौपदी वो हमेशा अपने समय समय पे क्रोध प्रकट करती थी, पिछली बात याद करके, हम कितने बड़े राजकुमार थे, कितने बड़े महल में रहते थे, कितनी नौकरानियां थी मेरी, हमारे साथ ये हुआ, कब आएगा कि हम वापस हमारा ऐश्वर्य भोगेंगे, कब ऐसे ऐसे जिएंगे, कब बदला लेंगे? तो भीम हमेशा क्रोध करते रहता था, और द्रौपदी भीम के क्रोध को ना प्रोत्साहन देती रही। तो युधिष्ठिर महाराज कहते थे कि देखो हमारा धन है जो भी है, हमें ऐसे 12 साल रहना ही है, अभी तुम्हारा ये धर्म है कि तुम्हें वनवास में रहना है, अभी तुम्हें ऐसे ही जीना है, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, बाकी का हम 12 साल के बाद देखेंगे। बाकी का एक ऋषि आते हैं वनवास के समय, तो युधिष्ठिर महाराज भीम और द्रौपदी की संतुष्टि के लिए प्रश्न करते हैं कि जीवन में समस्याएं क्यों आती है। तो युधिष्ठिर महाराज वनवास में कोई कोई उनको ज्ञानी नहीं थी, कोई उनको कोई बुरा नहीं लग रहा था, वो अच्छे से जी रहे थे अपना वनवास, उनको कोई कष्ट नहीं हो रहा था, वो पहले सम्राट है अभी रंक हो गए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था युधिष्ठिर महाराज को, और वो भी कैसे सम्राट थे, विश्व के सम्राट। याजसूय यज्ञ भी किया, और अभी जंगल में है तो ठीक है, जंगल में जमीन पे सो रहे कुटिया बना के, अवस्था में धर्म पालन होना चाहिए, वो उनका उद्देश्य था, अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है दुनिया को कोई नहीं फर्क पड़ता। तो ऋषि जो है वो कहते हैं कि कुछी के जीवन में शुरू में प्रसन्नता होती है, बाद में दुख होता है, किसी के जीवन में दुख होता है, बाद में प्रसन्नता होती है, सुख आता है। तो जब ऋषि कहते हैं कि किसी के जीवन में दुख आता है उसके बाद सुख आता है, तो भीम और द्रौपदी थोड़े अच्छे समझ जाते हैं, अरे अभी तो दुख है लेकिन बाद में सुख आने वाला है। लेकिन आगे वो ऋषि और कहते हैं कि जो भक्त होते हैं वो भक्त हमेशा आनंद में रहता है, उसके जीवन में कभी सुख है या दुख है, क्योंकि वो भगवान की सेवा में हमेशा निमग्न रहता है, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, तो केवल आनंद कंद की जो सेवा करता है वो भौतिक परिस्थिति उसकी चेंज होगी, नो डाउट, लेकिन उसको पता है कि ये भौतिक परिस्थिति मेरी बनी नहीं रहेगी, वो एक्सटर्नली परिस्थितियां चेंज होती है वो देख रहा है भक्त, लेकिन इंटरनली वो हमेशा आनंद का अनुभव करता है, ये भक्त का लक्षण है।
ये भक्त का लक्षण है, कहते हैं। और इसके लिए प्रभुपाद, ये भगवान भगवद गीता में 2.55 श्लोक में कहते हैं, प्रजा हातिन यदा कामान न सर्थ पार्थ मनोगता, के जो आत्मन्य वातात्मना तुष्टम स्थिति प्रद्यस्ते दो चते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, क्या करना है? मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति, मनोधर्म से त्याग कर देता है, और जब इस तरह वे विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है, सित प्रज्ञ बन जाता है। वो आत्मा के कार्यों में संतुष्ट रहता है भक्त, आत्मा के कार्यों में। और आत्मा का कार्य क्या है? आत्मा का सिर्फ और सिर्फ कार्य भगवान की सेवा करना। एक्सटर्नली कार्य में वो कोई भी वो समृद्धि है या नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। शिव जी की यही परिस्थिति है। तो यहां प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि क्यों पॉइंट लिख रहे हैं, क्योंकि सती ने कहा, मैं अपने घर जाना चाहती हूं और कौन से आभूषण पहनना चाहती हूं, कौन से, जो मेरे पिता ने दिए। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि पति के पास कुछ देने के लिए है ही नहीं, वो ऐसी जगह रह रहे हैं कि वहां पे कोई तनिष्क या मलबार कोई दुकान ही नहीं है। मेरे पिता ने जो आभूषण में वहां से लाई हूं वो पहन के जाना चाहती हूँ। ऐसे हम देखते हैं कि देवहूति और कर्दम ऋषि, कर्दम मुनि कहाँ रहते थे बताइए? हाँ, मलबार हिल, एंटॉप हिल, या फिर हम कहें नेकलेस मरीन ड्राइव, कहाँ रहते थे? बिंदु सरोवर के पास एक झोपड़ी में रहते, एक हट में, और स्वयंभू मनु और उनकी धर्मपति शत्रुपा आते हैं वहां पे और देवहूति को लेके आते हैं, और देवहूति उनमें क्या देखती है कि कितना बैंक बैलेंस है, कितनी प्रॉपर्टी है, क्या बिजनेस है, कितने सुंदर दिख रहे हैं, क्या सिक्स पैक है, क्या बॉडी है। हाँ, क्या देखते हैं शत्रुपा, क्या देखती है? ये सब नहीं देखती देवती, देखती है कि कितने स्पिरिचुअली एडवांस, आध्यात्मिक रूप से कितने प्रगत है। बाहरी तौर से लग रहा है कि बहुत गरीब है, लेकिन उसके ऊपर ध्यान नहीं देती। देवती किनकी पुत्री है? स्वयंभू मनु की, स्वयंभू मनु की पुत्री है। आजकल के केस में क्या होता है, ये पॉसिबल ही नहीं। आजकल विवाह जो होता है नीलामी की तरह होता है, इंजीनियर है तो 10 लाख, डॉक्टर है तो 20 लाख, सीए है तो 15 लाख, इतने में डील होगी, खरीदा जाता है। और उसके बाद भी हम रिलीजियन, हम ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ही लड़का चाहिए, ब्राह्मण ही लड़की चाहिए, हम ये है, हम वो है, हमारा गांव में हमारी इज्जत निकल जाएगी, हम गांव में हम कैसे मुंह दिखाएंगे, हमारा यही नाते को लेके, हमारा सब जो संबंध है उसको लेके हम चर्चा में ही पड़े हुए हैं। कर्दम मुनि के पास कुछ है ही नहीं, बिंदु सरोवर झोपड़ी में रह रहे हैं, और उनकी स्थिति कैसी है कि भगवान स्वयं दर्शन के लिए, दर्शन देने के लिए आए हैं, और भगवान दर्शन देने के लिए मतलब दर्शन लेंगे भी इनका, कर्दम ऋषि उनके पास स्वयं भगवान है। तो वहां पे तब बताते हैं भगवान आके कि आपकी जैसी इच्छा है उसी स्वभाव की आपको पत्नी प्राप्त होगी, आपको कन्या प्राप्त होगी, सॉरी। तो भक्त के समाज में भी कभी कभी देखा गया है कि भक्त भी कभी कभी, भक्त बाउंड्री में है भक्ति के, लेकिन फिर भी इच्छाएं सब भौतिक है, हमें ऐसी चाहिए वैसी चाहिए, लड़की लड़का ऐसा चाहिए, भक्ति कर रहे हैं लेकिन चेतना भक्तिमय नहीं बनी है ना।
चेतना नहीं है हमारी भक्ति की, तो ये बहुत अलग-अलग इसमें प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत अच्छे से बता रहे हैं। और उसमें यहां बता रहे हैं फिर कि यह तो सती का सौभाग्य था कि पति के उसके गहने गांजा खरीदने में नहीं फूंक दिए थे। हाँ, गांजा खरीदने में नहीं फूंक दिए। तो और यहाँ पे और भी एक चीज ध्यान में रखनी है कि दोनों वैष्णव है, सती भी वैष्णव ही है, लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में भी होता है, कभी कभी एक भक्त ऐसी परिस्थितियों में फंस जाता है कि दिखता है कि यार ये तो कर्मी हो गया, ये तो भौतिकवादी हो गया। यहाँ पे सती का भी ऐसे ही हो गया, वो एक पीरियड के लिए उसके ऊपर आवरण आ गया है, देहात्म बुद्धि में आ गई है। तो इस तरह अंतिम में जो जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि ये सती के पास आभूषण थे, लेकिन शिव जी ने ऐसा नहीं किया कि आभूषणों को बेचकर शराब और गांजा पी लिए। शिवरात्रि आने वाली है, 2 दिन के बाद शिवरात्रि है, और बहुत गांजा ये शिव जी को है ना, बहुत नाम खराब कर दिया है हम लोगों ने। ऐसा ऐसा कभी कुछ नहीं, अभी ये प्रभुपाद लिख रहे हैं ना, ये सारके जिम्मे लिख रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ कभी कि शिव जी ने डाल दिया शराब पीना है किसी को। हाँ, संपत्ति बेच दी, आभूषण बेच दिया, ये सच बात है, लोगों की अपनी प्रॉपर्टी बिक गई, टोटली इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर। हम देखते हैं उज्जैन में एक मंगलनाथ मंदिर है, वहां के भांग और गांजा का प्रसाद के रूप में मिलता है, बताइए, प्रसाद के रूप में मिलता है ये। और ऐसे ही भक्त लोग जाते भी होंगे प्रसाद लेने के लिए, लेकिन ये अवैध है, ये कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन क्या करें, हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए बना दिया है। तो इस तरीके से हम लोग स्त्रियों के बारे में बात करते हैं, तो पुरुष भी जो है इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, गैर जिम्मेदार पैसा उड़ाना। और प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि जो गांजा पीने में वो गृहस्थी को चौपट करते हैं, वो अपनी पत्नियों की सभी संपत्तियों को बेच पे गांजा पीने नशा करने में ऐसी ही दूसरी आदतों में खर्च कर देते हैं, ऐसा भी हमने देखा गया है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि सती दिख रही है कि देहात्म बुद्धि में है, लेकिन वो महान वैष्णव और वैष्णव ही है दोनों, शिव जी और ये। तो इसमें हमें ध्यान देना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आए तो उससे संभल लेना चाहिए, हमें अपने आप को संभालना चाहिए, इसके अंदर निमग्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि तो सीजन तो है शादियों का और बहुत कुछ है फेस्टिवल्स का, लेकिन भक्तों को इसमें बहुत संभल के रहना चाहिए। यही इस संवाद से प्राप्त होता है कि हमें कैसे हमारा जीवन को व्यतीत करें और ऐसे परिस्थितियों में हमें कैसे अपने आप को भक्ति हमारी बनाए रखें, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, इसी के साथ विराम देते हैं, किसी कोई भक्त का कमेंट टिप्पणी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।